ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 2 जो के है Sets, Functions and Groups पे और इस पे हम आज जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें फर्स्ट है Logic Definition and Some Important Terms Related to Logic और दूसरा होगा जी A Link Between Set Theory and Logic ये बात याद रहे कि जो लॉजिक वर्ड है इसका मतलब होता है करेक्टली रीजन्ड ठीक है और फिर इसमें मतलब हमारे पास इंडक्टिव लॉजिक होता है डिडक्टिव लॉजिक होता है एरिस्टोटेलियन लॉजिक और नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं अब उन्हें हम वन बाय वन जो है वो सॉल्व करते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे अंदाज में समझते हैं फर्स्ट एमसीक्यू जी स्टूडेंट हमारे पास द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशन क्या है कि 3 इज अ पॉजिटिव नंबर और 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 इज अब ये बात हम जानते हैं कि जो प्रोपोजिशन होती है ये एक ऐसी स्टेटमेंट को कहा जाता है जो ट्रू भी होती है और फॉल्स भी हो सकती है ठीक है अब इसमें चूंकि हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मतलब जो एक स्टेटमेंट है P हमारे पास वो है कि 3 इज अ पॉजिटिव नंबर जो कि ठीक है लेकिन 2 प्लस 2 इक्वल टू 7 ये फॉल्स है ठीक है तो फिर इस प्रोपोजिशन की जो वैल्यू होगी मतलब जिसका आंसर होगा वो फिर हमारे पास क्या आएगा इसमें ऑप्शन नंबर B आएगा जो कि ट्रू है यानी मैं इसको चूंकि और की कंडीशन है हमने ट्रुथ टेबल में ऑलरेडी इस चीज को समझ रखा है कि अगर हम P और क्यों दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं इस तरह से कि उनमें डिसजंक्शन बना दें यानी और बना दें कि पी और क्यू ठीक है तो अब अगर फर्ज करें पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है तो इनका जो डिसजंक्शन होगा वो हमारे पास क्या आएगा वो ट्रू आएगा इसलिए ऑप्शन जो ए है वो हमारे पास क्या होगा जी वो ट्रू ऑप्शन मतलब वो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा फॉल्स या कॉन्टीजेंसी जो है ऐसी स्टेटमेंट नहीं होगी कॉन्टीजेंसी ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो ट्रू भी होती है और फॉल्स भी होती है ठीक है लेकिन ये जो है हमारे पास ये ट्रू है इस टाइम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट है द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पी इसकी इम्प्लीकेशन है क्यू के साथ और फिर इसकी कंजंक्शन है पी के साथ अब ये जो एक स्टेटमेंट बनेगी फिर इसकी इम्प्लीकेशन है क्यू के साथ अब इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है जब व्हेन अब इसमें मतलब हम ट्रुथ टेबल बनाकर इन सवालों के जवाब दे सकते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर चले अब ट्रुथ टेबल जो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रुथ टेबल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने के लिए चार्ट दिया है जिसमें मैंने पहले पी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी मैंने यहाँ पर ट्रुथ वैल्यूज लिखने के लिए कॉलम बनाए फिर क्यू स्टेटमेंट को फिर इनकी इम्प्लीकेशन का रिजल्ट यहाँ पे हम लिखेंगे फिर जो इनकी इम्प्लीकेशन आएगी उसका कंजंक्शन लेंगे हम पी के साथ और फिर वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका फिर उसको फिर इम्प्लीकेशन लेंगे इसकी पी के साथ और फिर देखेंगे कि ये फॉल्स कब आती है यानी जब पी ट्रू हो देखें अब ए ऑप्शन को हम देखते हैं कि पी जब ट्रू हो ठीक है क्यू जब फॉल्स हो तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देखिए इसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि जब पी हमारी हाइपोथेसिस और क्यू हमारा कंक्लूजन है तो इम्प्लीकेशन में अगर कंक्लूजन फॉल्स हो तो स्टेटमेंट फॉल्स होती है ठीक है और अब कंजंक्शन में ये होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट एक ट्रू एक फॉल्स है तो इसका इसकी जो कंजंक्शन है वो हमारे पास फॉल्स आती है ठीक है तो इस केस में फिर हमारे पास ये फॉल्स आ जाएगा ठीक है और अब अगर हम इस ये पूरी ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है इसकी इम्प्लीकेशन ले रहे हैं पी के साथ जो कि ट्रू है यानी पी इसका कंक्लूजन है जो ट्रू है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है ट्रू है ठीक है जी बात समझ आ गई आपको तो इसका मतलब ये तो ट्रू आया और इन्होंने कहा था फॉल्स है इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता इसलिए इसको हम मार्क नहीं करेंगे अब हम बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि इसमें पी ट्रू है लेकिन और क्यू भी ट्रू है दोनों को ट्रू रखें अगर हम ठीक है तो इनकी इम्प्लीकेशन ट्रू आएगी ठीक है जी और फिर उसके बाद अगर इनकी इम्प्लीकेशन का कंजंक्शन पी से लिया जाए दोनों स्टेटमेंट ट्रू बन रही है इसी ट्रू आएगा ठीक है और फिर क्योंकि ये एक स्टेटमेंट ट्रू है और इसकी फिर इम्प्लीकेशन पी से ले रहे हैं जो ट्रू है तो फिर यहाँ भी आंसर हमारा ट्रू ही आएगा इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने कहा था ये फॉल्स है जबकि ट्रू आ रही है
इसका मतलब अब हम सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि सी में कहा गया कि पी अगर फॉल्स हो ठीक है और क्यू अगर ट्रू हो तो फिर देखते हैं कि क्या ये फॉल्स आती है क्या आती है। अब देखिए इसकी इम्प्लीकेशन के लिए, अगर पी फॉल्स हो लेकिन पी चूंकि यहाँ पर हाइपोथेसिस है लेकिन इसका कंक्लूजन ट्रू है तो फिर अभी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू ही आएगा, ठीक है ये ट्रू आएगा। अब ये जो इम्प्लीकेशन आई है ट्रू आई है, इसका कंजंक्शन लिया जा रहा है पी के साथ जो फॉल्स है, तो कंजंक्शन में अगर दोनों में से एक फॉल्स हो तो फिर फॉल्स ही रिजल्ट आता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। अब एक फॉल्स स्टेटमेंट की जो इम्प्लीकेशन है वो फॉल्स है, यानी अगर हाइपोथेसिस भी फॉल्स हो और उसकी कंक्लूजन भी फॉल्स हो तो स्टेटमेंट जो ओवरऑल है वो ट्रू होती है, ठीक है इम्प्लीकेशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया आंसर इसका, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो फिर फाइनली हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो इसका है वो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अब हम एक और बात यहाँ से चेक करते हैं, अगर फर्ज करें पी भी फॉल्स होता क्यू भी फॉल्स होता, एक लास्ट हम खुद इसको फिल करते हैं, तो फिर हमारे पास इनकी इम्प्लीकेशन क्या आती, ट्रू आ जाती जैसे भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हाइपोथेसिस फॉल्स हो तो कंक्लूजन भी फॉल्स हो तो फिर हम इम्प्लीकेशन ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इस इम्प्लीकेशन की कंजंक्शन पी से ली जाए तो ये ट्रू है जबकि ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। और अब अगर ये जो हमारे पास कंजंक्शन ली गई इम्प्लीकेशन की इम्प्लीकेशन के साथ इसकी फिर इम्प्लीकेशन पी से ली जाए जो कि फॉल्स है तो फॉल्स की इम्प्लीकेशन फॉल्स के साथ ये ट्रू आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओवरऑल इसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ठीक है वो सारी की सारी ट्रू हैं, तो ऐसे जो हमारे पास स्टेटमेंट होती जो हमेशा ट्रू हो इसे हम टोटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक और जो एमसीक्यू आप समझ लें से रिलेटेड आ सकता था वो भी यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट के हवाले से। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, इसकी स्टेटमेंट है द इनवर्स ऑफ ए इम्प्लीकेशन बी इज। अब इनवर्स का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास एक इम्प्लीकेशन है कि अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू लिखा हो ठीक है तो इसका इनवर्स ये होता है कि आपने जो निगेशन है यानी जो निगेट करेगा पी स्टेटमेंट को ठीक है उसकी इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ क्यू से ले लेनी है। जो निगेशन का साइन है ये आप जानते हैं दो तरह का होता है, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं ठीक है, और जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर बन सकता है अगर ए इम्प्लाइज बी हो तो फिर यानी सेट्स के लिहाज से याद रखें कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो बेसिकली निगेशन ए, या आप इसे यूँ कह सकते हैं अगर एक प्रोपोजिशन के हवाले से बात करें तो निगेशन पी है यानी उस स्टेटमेंट का नेगेटिव है ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए था ए प्राइम इम्प्लीकेशन बी प्राइम ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है ठीक है, ऑप्शन ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है सी में भी नहीं है, जो कि इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट है द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ निगेशन बी इम्प्लीकेशन निगेशन ए इज। अब याद रहे कि जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होती है किसी भी स्टेटमेंट की, जैसे अगर मैं पी इम्प्लीकेशन क्यू की बात करता हूँ तो इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा वो ये होगा कि आप निगेशन क्यू को इसकी इम्प्लीकेशन ले लोगे निगेशन पी के साथ, यानी यहाँ पर पी हमारा हाइपोथेसिस था और क्यू हमारा कंक्लूजन था, लेकिन अब यहाँ पर जो निगेशन क्यू है ये हमारा हाइपोथेसिस होगा और जो निगेशन पी है ये हमारा कंक्लूजन होगा, यानी एंटीसीडेंट पी और कॉन्सिक्वेंट क्यू है, जबकि यहाँ पर एंटीसीडेंट का जो मतलब एंटीसीडेंट जो है वो हमारे पास निगेशन क्यू है और कॉन्सिक्वेंट जो है वो निगेशन पी है। तो इस लिहाज से अगर अभी स्टेटमेंट को देखा जाए कि निगेशन बी इम्प्लीकेशन निगेशन ए से ली जा रही है तो फिर अब जब इसका जो निगेशन होगा वो ए होगा, क्योंकि निगेशन ऑफ निगेशन जो होता है वो फिर वापस ए स्टेटमेंट बन जाएगी ठीक है, कि इम्प्लीकेशन किससे ले ली जाएगी निगेशन ऑफ बी यानी बी से, तो ए इम्प्लीकेशन
बी, ये इसका आंसर आएगा ए इम्प्लीकेशन बी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो ओरिजिनल इम्प्लीकेशन थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और इसका जो कंट्रा पॉजिटिव होता है वो हमेशा बराबर आता है। इसको मैं ट्रुथ टेबल पे आपको समझा देता हूँ इस बात को कि ये मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, आप ये ट्रुथ टेबल देख सकते हैं, ट्रुथ टेबल। अब इसमें मैंने पी जो प्रपोजिशन है, क्यू जो प्रपोजिशन है, फिर इसके निगेशन के लिए दो कॉलम्स बनाए हैं यहाँ पर, फिर पी इम्प्लीकेशन क्यू और यहाँ पर निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी है। अब ज़रा हम देखते हैं कि क्या ये जो मैंने बात अभी कही थी ये होल्ड करती है कि हमेशा ये दोनों स्टेटमेंट्स बराबर होती हैं, यानी इस गिवन इम्प्लीकेशन की जो कंट्रा पॉजिटिव है वो भी आपस में सेम रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा बराबर होते हैं। चले इसको हम लिखते हैं कि यहाँ पर अगर पी फर्स्ट करंट स्टेटमेंट ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, या फिर अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, या हम यूँ कर लेंगे पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू स्टेटमेंट हो, या फिर दोनों ही फॉल्स हो। ठीक है, अब इनके निगेशन क्या बनेंगे, यानी ट्रू का निगेशन फॉल्स, ठीक है, यहाँ फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ ट्रू आएगा। इसी तरह यहाँ पे इसका निगेशन बनेगा फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। ठीक है, अब इम्प्लीकेशन लेते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू, यानी पी अगर ट्रू होगा और क्यू ट्रू होगा तो ट्रू है, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ये फॉल्स है इम्प्लीकेशन। ठीक है, अगर P फॉल्स हो लेकिन Q ट्रू हो तो ये ट्रू है, और इसी तरह से दोनों अगर P फॉल्स और Q फॉल्स हो तो ये ट्रू है। ठीक है, अब निगेशन Q की इम्प्लीकेशन निगेशन P से ली जाए, इसी बात को ध्यान में रखेंगे, फॉल्स इसकी जो इम्प्लीकेशन फॉल्स से ली जा रही है तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, ट्रू आएगा। इसी तरीके से ट्रू की फॉल्स से जब ली जाएगी इम्प्लीकेशन तो ये फॉल्स आएगा रिजल्ट। ठीक है, फॉल्स की ट्रू से ट्रू और ट्रू और ट्रू की इम्प्लीकेशन ये ट्रू आएगी। इसका मतलब देखिए दोनों स्टेटमेंट सेम रिजल्ट दे रही है, जो मैं भी बात कर रहा था बिल्कुल ये यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि वेरीफाई भी हो रही है। नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि निगेशन ऑफ बी की इम्प्लीकेशन ली जा रही है निगेशन ऑफ ए से, इसका कन्वर्स क्या होगा, इस कन्वर्स ऑफ, यानी ये किसका कन्वर्स है। अब याद रहे कि जो हमने इम्प्लीकेशन में ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट इस तरह से हो कि उसकी पी जो प्रपोजिशन है उसकी इम्प्लीकेशन क्यू से ली जा रही हो, तो उसका जो कन्वर्स होगा वो ये होगा कि आप क्यू की जो इम्प्लीकेशन है वो पी से ले लें। ठीक है, ये कन्वर्स है इसका, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कन्वर्स। अब उसी लिहाज से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो इस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में यानी जो निगेशन बी है इसको हम बी प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास निगेशन ए है इस तरह से, सॉरी इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, निगेशन ए है इसको हम ए प्राइम भी कह सकते हैं सेट थ्योरी के लिहाज से। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स क्या बन जाएगा कि ए प्राइम की इम्प्लीकेशन जो है वो किससे ले ली जाए, बी प्राइम के साथ। ठीक है, बी प्राइम के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी में अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ हमारा जो ये ऑप्शन है डी वो एक इस क्वेश्चन के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन जो है वो इसके लिए फिर रॉन्ग ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट जो MCQ है वो रिलेटेड है लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक से। ठीक है, अब इसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि जो ट्रुथ सेट है ऑफ पी कंजंक्शन क्यू का वो किसके बराबर होगा, यानी जो इससे मीनिंग्स दिए जाते हैं वो अगर हम सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन को देखें, या फिर अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेकर इंटरसेक्शन या यूनियन ली जाए तो उससे किससे ये मैच करेगी बात। ठीक है, यहाँ पर हम जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, जैसे फर्ज करें अगर मेरे पास एक पी सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और एक क्यू सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो 4 और 5 हैं, यानी दोनों ही आपस में डिसजॉइंट है, इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, तो फिर पी और क्यू में चूंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है इसलिए ये एम्प्टी रहेगा,
इंटरसेक्शन इनकी एम्प्टी आएगी। इसी तरह से हम जब कंजंक्शन को देखते हैं, हम कहते हैं एक पी प्रोपोजिशन है, एक क्यू प्रोपोजिशन है, एक इनकी कंजंक्शन है, तो उसमें हम कहते हैं अगर पी स्टेटमेंट ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, ठीक है, एंड चूंकि हमको पढ़ लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाकर, तो इसमें अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। और अगर हम यूं कहते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो तब भी ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ट्रू ये उस सूरत में होती है जब दोनों ट्रू हो, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब हम यूनियन कर रहे होते हैं तो उसमें तो हम कंबाइन कर रहे होते हैं एलिमेंट, लेकिन जो इंटरसेक्शन है उसमें हम देखते हैं जो कॉमन एलिमेंट हो। अब इस तरह यहाँ पर क्या है कि दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होती हैं तो ये ट्रू होता है, इस लिहाज से हम कहेंगे कि जो सेट थ्योरी में अगर पी की इंटरसेक्शन क्यू से ली जा रही होगी तो ये वो सेम आपस में रिजल्ट शो करेंगे जो कि पी की जो प्रोपोजिशन पी प्रोपोजिशन है इसकी कंजंक्शन क्यू प्रोपोजिशन से ली जा रही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन होगा।